नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। एक व्यक्ति अपने बिजनेस आइडिया को लेके दुनिया के टॉप वीसीज के पास फंडिंग के लिए गया। वो जहां गया उसको निराशा हाथ लगी, क्योंकि लोगों ने उससे कहा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट है, यहां पर गूगल है, यहां पर फेस टाइम है, यहां पर सिस्को इतना बड़ा प्लेयर है, भाई ऐसा क्या कारण है कि हम तुम्हारी कंपनी को फंड करें। इतने रिजेक्शन से, इतने अंडर वैल्यूएशन से वो इतना गुस्सा हो गया, उसने 8 साल तक अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर को बनाकर रखा यू आर रॉन्ग। उसने सारी दुनिया को एक ही लाइन कही यू आर रॉन्ग, और उसने अल्टीमेटली उन सबको रॉन्ग सिद्ध करके दिखा दिया। साथियों, ये व्यक्ति उतना पॉपुलर नहीं है, आप इनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन कंपनी 20 बिलियन डॉलर की है। कंपनी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है, और मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया में किसी भी कोने में यदि कोई भी अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ता है तो वो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता है वो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करता है। ये व्यक्ति आपका पैजामा पार्टनर है, आपका हाफ पैंट पार्टनर है। मैं बात कर रहा हूं कंपनी जूम की और मालिक एरिक यून की, जो आज दुनिया में इतने पॉपुलर हैं कि लोग जूम मीटिंग को ही ऑनलाइन मीटिंग समझते हैं। जैसे एक जमाने में टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, चिपकाने वाली चीज मतलब फेविकॉल, वैसे ही आज ऑनलाइन मीटिंग मतलब जूम। लेट्स गूगल इट, जिस तरीके से लाइन चलती है कम ऑन जूम, उसी तरीके से ये लाइन चलती है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एरिक यून ने इसको क्यों बनाया। यहां पर मैं आपसे सवाल करता हूं, भाई आप प्यार में क्या कर सकते हो? आपकी एक गर्लफ्रेंड रही होगी, दो रही होगी, चार रही होगी, बॉयफ्रेंड का भी नंबर आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकाध जिसके लिए आप सीरियस रहे होंगे, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या तोड़ सकते हो, क्या उखाड़ सकते हो? क्योंकि जूम का जन्म एरिक यून ने प्यार के लिए किया था। इस कहानी को मैं आज गहरे से बताऊंगा, मैं आज आपको असाधारण अद्भुत बिजनेस स्ट्रेटजीज बताऊंगा, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन था, स्काइप सामने था, फेस टाइम सामने था, गूगल हैंगआउट सामने था, उसके बीच में जूम ने जगह कैसे बना ली। ये तो हाथी हैं, लाखों अरबों करोड़ के हाथी, उसके बीच में एक स्टार्टअप आता है और इनको अपने सर्वाइवल को तलाशना मुश्किल हो जाता है, ये इसने कैसे किया? और आज की इस केस स्टडी को जब आप डीप में देखेंगे, सोचेंगे और अपने व्यापार में अपनाएंगे, आपके आसपास जितने हाथी बैठे हैं ना, उन सबको हिला देंगे। और कहते हैं चींटी भी हाथी की सूंड में या कान में घुस जाए, हाथी बिलबिला उठता है। जब चींटी हाथी के कान में घुस जाती है तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। तो आज के इस केस स्टडी से ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिससे आपके आसपास के हाथी बिलबिला जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे, हर हफ्ते 2 डीपली रिसर्च सुपर वीडियोस आते हैं, सुपर शोज आते हैं, वो मिस कर दोगे, और मिस कर दोगे तो घर बैठे ऐतिहासिक ग्रोथ का 10x और 100x होने का बहुत बड़ा मौका चूक दोगे। 1987 में एरिक चाइना में थे, वहां उनकी गर्लफ्रेंड थी शेरी, जो कि 10 घंटे दूर रहती थी। अब 10 घंटे की ट्रेन की लंबी अनकंफर्टेबल जर्नी में जाना सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक मीटिंग करने के लिए, ये एरिक को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा सोचते थे यार कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या, जिससे मैं कहीं एक बटन दबाऊं और शेरी को देख लूं। तो प्यार में बहुत से लोगों को आपने कलाइयां काटते सुना होगा, दवाइयां खा के मरते सुना होगा, डिप्रेस होते सुना होगा। अरे भैया, प्यार खाली डिप्रेस नहीं करता, प्यार सृजन करवाता है, प्यार क्रिएट करता है। यदि प्यार में कोई बर्बाद होता है तो एरिक जैसे लोग आबाद भी होते हैं और दुनिया को बदल डालते हैं। एरिक के मन में लगातार ये विचार पलता रहा। उसी दौरान एरिक जापान में कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पर बिल गेट्स ने अपना स्पीच दिया। वो लगातार वहां पर इंटरनेट के फायदों की बात कर रहे थे, फ्यूचर में कैसे इंटरनेट का इंपैक्ट होगा इसकी बात कर रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे थे। एरिक को लगा यही वो रास्ता है, और एरिक ने ठान लिया मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनाऊंगा। अब वहां पर चाइना में इंटरनेट ही नहीं था उस वक्त, तो एरिक चुपचाप बैठ नहीं गए, वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाना आसान नहीं था,
दो साल लगे, 8 बार वीजा फेल हुआ, लेकिन वो अमेरिका चले गए। फाइनली अमेरिका में इंटरनेट को यूज करते हुए उन्होंने दुनिया को जूम की सौगात दी। और यदि पेंडेमिक में जूम नहीं होता ना, यकीन से मान लीजिए एजुकेशन होता ही नहीं। पूरी की पूरी स्कूलें, पूरे के पूरे कॉलेज, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेट्स, हर किसी ने यदि पेंडेमिक में खुद को जिंदा रखा और दुनिया को सेवाएं दी, तो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय एरिक को जाता है। तो एरिक सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं हुए, असली में एरिक के जूम ने बहुत बड़ी समाज सेवा का काम किया। तो बड़ा प्रश्न है कि यार कंपटीशन तो इतना टफ था, एरिक ने कमाल कैसे किया? आइए जानते हैं डीप बिजनेस स्ट्रेटजीज। आज एरिक उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल देखने वाले को एक नया फॉर्मूला दे रहे, दमदार प्रोडक्ट प्लस सही इन्फ्लुएंसर इज इक्वल टू सक्सेस। कभी इस एंगल से सोचिए कि सबसे जरूरी चीज क्या है। सबसे जरूरी चीज प्रोडक्ट है। एरिक ने शानदार इंजीनियर्स की एक टीम बनाई, क्योंकि वो ये मानते थे मेरे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट कोई एक बार यूज कर ले तो उसके बाद वो खुद उसकी बात करे, इतनी जान प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो एरिक ने अपना सारा पैसा प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा सेल्स और मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो एक बात लगातार कहते रहे, यदि मैं अपने प्रोडक्ट को राइट इन्फ्लुएंसर तक ले जाऊं और मेरा प्रोडक्ट दमदार होगा तो वो प्रोडक्ट को पंख लगा देगा। उन दिनों वॉल्ट मॉसबर्ग वॉल स्ट्रीट जर्नल के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी रिव्यूअर्स में से एक थे। कहते हैं वो जिस प्रोडक्ट का पॉजिटिव रिव्यू कर देते वो प्रोडक्ट लोग हाथों हाथ ले लेते, इतनी बड़ी साख थी इनकी। एरिक यून ने निर्णय लिया कि प्रोडक्ट को वॉल्ट मॉसबर्ग तक ले जाना है। उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया और जब ऑफिस पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पर वाईफाई नहीं है और वॉल्ट मॉसबर्ग फोन से हॉटस्पॉट दे रहे हैं। वहीं पर एरिक यून ने अपना कमाल कर दिखाया। उतने वीक कनेक्शन से जब उनके प्रोडक्ट ने, जूम ने सक्सेसफुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखाया, जब बिना अटके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखाया, जब वॉइस सब इस क्लैरिटी से गई, चेहरा इस क्लैरिटी से नजर आया, इतनी स्मूथ जर्नी रही कि वॉल्ट मॉसबर्ग हैरान रह गए। उन्होंने लगातार कई दिन तक जूम को टेस्ट किया, उनको लगा कि ऐसा प्रोडक्ट तो दुनिया में आया ही नहीं, और उन्होंने एक ऐसा रिव्यू लिखा कि वहीं पर 50,000 कस्टमर जूम को मिले। और उस दिन के बाद जूम ने पीछे पलट कर नहीं देखा। फिर से आपसे सवाल, दमदार प्रोडक्ट है कि नहीं, सबसे पहले यह सुनिश्चित करिए। एक कमजोर प्रोडक्ट को दुनिया की कोई मार्केटिंग ज्यादा समय तक सक्सेसफुल बना के नहीं रख सकती। यदि प्रोडक्ट दमदार है तो सही पारखी तक, सही कस्टमर तक, सही मंडी तक पहुंच रहा है कि नहीं। आप एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में या एक बड़े शहर में भी बिना मार्केटिंग के बैठे हैं, बिना राइट इन्फ्लुएंसर तक पहुंचे बैठे हैं, तो आपके घर में आपका कीमती प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो दुनिया तक पहुंचेगा नहीं उसको भाव नहीं मिलेगा। अब प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है? कस्टमर। प्रोडक्ट बना किसके लिए? कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट के पैसे किसके हैं? कस्टमर के। और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कौन करेगा? कस्टमर। प्रोडक्ट को रिफर कौन करेगा? वो भी कस्टमर। तो यदि उसी कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाए जिसको लेते हुए, जिसको यूज करते हुए उसको कहीं भी कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई डाउट ना आए, कुछ भी उसके लिए टफ ना हो, बहुत सारे नियम कायदे कानून शर्तें ना हो, छुपी हुई टर्म्स ना हो, लेयर्स ना हो, एकदम सिंपल इजी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट कस्टमर हाथों हाथ उठाएगा। और एरिक यून इस फिलॉसफी को गहरे तक अपने रोम रोम में समाये हुए थे। उन्होंने जूम का मिशन स्टेटमेंट क्या बनाया? मेक वीडियो कम्युनिकेशन फ्रिक्शनलेस। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट में और बड़े बड़े प्रोडक्ट थे, स्काइप जैसे प्रोडक्ट थे। अब स्काइप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनता जा रहा था, क्योंकि वो स्नैपचैट की तरह फीचर्स ऐड कर रहा था, किसी और प्लेटफॉर्म की तरह फीचर्स ऐड कर रहा था, नियम शर्तें बढ़ा रहा था, इस पैकेज में ये मिलेगा, इस पैकेज में ये मिलेगा, इस पैकेज में ये मिलेगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। जूम ने सब कुछ हटा दिया। जूम ने बोला मेरे यहाँ हर कस्टमर के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस होगा। तो जूम ने अपने एम्प्लॉयज को बोला, कोई भी एम्प्लॉय
ऐसा कोई काम नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, आप एक छोटा व्यापार चला रहे हो या आप एक बड़े कॉरपोरेट हो, मिलियन डॉलर लेसन है। एनी एक्शन एनी एम्प्लॉय टेक्स मस्ट नेवर इंक्रीज कस्टमर एफर्ट और इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द कस्टमर। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा भाई, सोने की लाइन है, हीरे की लाइन है। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, ऐसी कोई भी पॉलिसी या सिस्टम नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट में ऐसे कोई फीचर ऐड नहीं करेगा जिससे कस्टमर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हो या कस्टमर को प्रोडक्ट में यूज करने में मेहनत बढ़ती हो। तो जूम के लोगों ने सिर्फ एक चीज पर फोकस रखा, बेस्ट पॉसिबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनाना है। और दुनिया में जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आए, फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग की बात आए, लोग कहें जूम। तो जूम का मतलब हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हो जूम। इसके लिए जूम ने क्या किया, बोला अपने प्रोडक्ट में बेसिक यूजर को कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, साइन अप नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड के नंबर नहीं डालने होंगे, एडवांस में पेमेंट नहीं करना होगा। और ये सब बिना किए वो पोल ले सकेगा, वो अपने हैंड रेस कर सकेगा, वो इमोजीज दे सकेगा, वो व्हाइट बोर्ड में लिख सकेगा, वो सब कुछ कर सकेगा। और देखते ही देखते जूम $20 बिलियन की कंपनी हो गई। और अभी जब मैं इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, मेरे मन में सिर्फ मेरा एक प्रोग्राम VIP आ रहा है। जब 2024 के नए VIP के लिए हम एक मंथन कर रहे थे, हमारे मन में सिर्फ एक बात थी, एक ऐसा कोर्स बनाना है जिसमें आके लोगों की जिंदगियां बदल जाए, एक ऐसा कोर्स बनाना है जिसको हमको सेल ना करना पड़े, लोग उस प्रोडक्ट को ओन कर लें, वो उनका अपना प्रोडक्ट हो जाए, और जब वो किसी को VIP करने को कहें, ऐसा लगे वो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, उनको लगे समाज सेवा है। हमने सारे नियम कायदे कानून हटा दिए, हमने कहा हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसमें आ सकता है, हर इकोनॉमिक स्टेटस का व्यक्ति इसमें आ सकता है, इसमें बिजनेस ओनर आ सकता है, इसमें एम्प्लॉय आ सकता है, इसमें होम मेकर आ सकता है, इसमें फैमिलीज आ सकती है, इसमें फ्रेंड्स आ सकते हैं। हमने देखा कई लोग यार सुबह सुबह जल्दी जॉब पर जाते हैं और कई लोग रात को जल्दी आ जाते हैं, तो हमने देखा कि किसी को सुबह वक्त है, किसी को रात को वक्त है। हमने बोला हर हफ्ते 2 इम्प्लीमेंटेशन सेशन करेंगे, एक सुबह 8 बजे करेंगे, एक रात को 8 बजे करेंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पूरे इंडिया में आप किसी भी कोच का कोई भी प्रोग्राम करें, यदि उसका बेस्ट रिजल्ट लाना है ना, तो उसके पहले VIP कर लो, क्योंकि VIP हर कोर्स के लिए माइंड को प्रिपेयर करने की चाबी है। यदि जिंदगी में कुछ नहीं किया हो ना, VIP कर लो। जूम की एरिक यून की दूसरी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी, और विश्वास कीजिए आप सड़क के किनारे एक चाय की टपरी लगाते हैं या आपके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 50,000 लोग काम करते हैं, दोनों जगह ये स्ट्रेटजी 100% कारगर है। एरिक टुक कस्टमर फीडबैक वेरी 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 सीरियसली। एरिक क्या करते थे, जैसे ही किसी ने जूम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया, एरिक उस कस्टमर से पर्सनली कांटेक्ट करके पूछते थे क्या कारण, आपने क्यों कैंसिल किया, कौन सी सेवाओं में हमारी कमी रह गई, हम क्या चेंज करके आपको रिटेन कर सकते हैं। लोगों को लगता था ये कोई फेक है, स्कैम है यार, किसी कंपनी का CEO खुद फोन क्यों करेगा यार, किसी कंपनी का CEO खुद मेल क्यों करेगा। लेकिन एरिक बताते थे मैं CEO हूं, और इस फीडबैक को लेते लेते धीरे 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 करके जूम में इतने इम्प्रोवाइजेशन हुए और कॉम्पिटिटर्स को समझ ही नहीं आया, कॉम्पिटिटर को समझ ही नहीं आया कि लोग हाथों हाथ क्यों ले रहे हैं। अरे वो हाथों हाथ इसलिए ले रहे थे क्योंकि जब भी कोई कस्टमर एरिक को एक फीडबैक देता और एरिक को लगता कि यार ये फीडबैक तो जेन्युइन है, तो एरिक उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जहां तक एक बिजनेस कोच के रूप में मैं समझ पाता हूं, जो फीडबैक कस्टमर दे सकता है ना, वो फीडबैक स्टाफ भी नहीं दे सकता। जो फॉल्ट कस्टमर ढूंढ सकता है, वो फॉल्ट ऑनर भी नहीं ढूंढ सकता। हमेशा मैं अपनी टीमों को कहता हूं, जो 100-200 करोड़ लगा के पिक्चरें बनाते हैं डायरेक्टर, या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी एक पिक्चर बनी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, आमिर खान थे, इतना बढ़िया डायरेक्टर था, इतनी यूनिक स्टोरी लाइन थी, भाई फेल कैसे हो गई, कैसे फेल हो गई, क्योंकि जो बना रहा है ना उसको लगता है मैं सबसे अच्छी चीज बना रहा हूं, वो उससे एफिलिएट हो जाता है, उसको लगता है जो मैं कर रहा हूं राइट है, लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, अल्टीमेटली कस्टमर जनार्दन है, कस्टमर किंग है, वो तय करेगा आप हिट होंगे कि नहीं।
और कस्टमर आपको लाइक कर रहा है कि नहीं, वो तभी पता चलेगा जब आप कस्टमर फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक को बहुत सीरियसली लेंगे और सीरियसली लेकर उस पर एक्ट करेंगे। द बिगेस्ट लेसन ऑफ द डे, टेक कस्टमर फीडबैक वेरी 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 सीरियसली। यहां पर एरिक की उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत काम आया। वो वेबएक्स में काम करते थे, उनको पता था कि वेबएक्स में बहुत सारे अनहैप्पी कस्टमर्स हैं, और वैसे भी जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती है अनहैप्पी कस्टमर्स की एक सर्टन तादाद बिल्डअप होने लग जाती है, क्योंकि आप 100 में 100 को संतुष्ट नहीं कर सकते। और एरिक ने दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रीमियम मॉडल निकाल दी। अब उस वक्त ऐसा कोई फ्रीमियम मॉडल नहीं था, कोई भी बड़ी कंपनी फ्री में कुछ नहीं दे रही थी, सब पहले पैसे लेते थे। एरिक यून ने एक मॉडल निकाला जिसमें उन्होंने कहा 40 मिनट तक की मीटिंग फ्री, 100 पार्टिसिपेंट तक फ्री। इस वजह से लोग टेस्ट करने लग गए, और टेस्ट करके जब उन्होंने देखा कि यार ये तो लोवेस्ट स्पीड वाले कनेक्शन पे भी चल जाता है, फ्लॉलेसली चल जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो धीरे धीरे कंपनीज ने बड़े प्लेयर्स को छोड़ के जूम को अपनाना शुरू किया। जूम ने सबको फ्री की आदत लगा दी, और कंपनीज ट्राई कर लेती थी क्योंकि खोने को कुछ नहीं था। लोग छोटी छोटी मीटिंग ट्राई कर लेते। एक टीचर जो 10 बच्चों की कोचिंग क्लास लेती थी, वो भी बिना सब्सक्रिप्शन के जूम से अपनी कोचिंग क्लास ले लेती थी। तो फ्रीमियम मॉडल की वजह से जूम ने सारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को हिला दिया। आज आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आपके व्यापार में किसी भी फ्रीमियम का स्कोप है? क्या आप अपने प्रोडक्ट को डोंट टच में रखे रहें, या आपके प्रोडक्ट में कोई भी स्कोप है कि उसको थोड़ा टच करके देखा जा सकता है? क्योंकि जब तक आप इतनी बड़ी कंपनियों की सक्सेस स्टोरीज पर गौर नहीं करेंगे, तब तक आपके व्यापार नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे और नॉर्मल परिणाम देते रहेंगे। आज इस केस स्टडी को ना महज देख के मत चले जाना, क्योंकि मुझे लगता है इस एक केस स्टडी में 100 केस स्टडी के बराबर का लेसन है। और सबसे बड़ा लेसन क्या है, इस पूरी जर्नी के दौरान एरिक यून के पास एक पर्पस था कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, लोग एक दूसरे के हालचाल समझ सकें, लोग एक दूसरे को हैप्पी बना सकें, और जिस प्रोडक्ट का जन्म ही प्रेम के लिए हुआ हो वो प्रोडक्ट प्रेम तो फैलाए गए। तो आज आपके सामने बहुत सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आपका प्रोडक्ट ईजी है, कस्टमर पर सुपर फोकस्ड है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत सारे नियम शर्तों के साथ है, या आप बहुत सारे ऐसे नियम बनाते हैं जिससे कस्टमर को कष्ट होता है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक नेगेटिविटी आती है। सेकंड सवाल, क्या आप कस्टमर फीडबैक को वाकई सीरियसली लेते हैं? थर्ड, क्या आपके बिजनेस का कोई ऐसा पर्पस या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो एक एक एम्प्लॉय के दिमाग में क्लियर हो? और लास्ट, आपका अपना पर्पस क्या है? यदि आप महज एक बिजनेस रन करना है इसलिए बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आप कभी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।